नमस्कार तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माँ भवानी, माँ गौरी, माँ अम्बे जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और तुला राशि वालों, माता रानी से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, आप सभी को खुशहाल रखना, आप सभी को बराबर धन संपदा देना, ताकि सभी के जीवन में लगातार दिन दोगुनी रात सोगुनी तरक्की हो। माता रानी, हमारी आपसे बस इतना ही अनुरोध है। तुला राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अब आपका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बदलेगा। जी हाँ, आज दोपहर 3:59 बजे के बाद आपकी कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जिसे जानकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएंगे। इसलिए दोस्तों, सारे काम छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद और पंचांग गणना करने के बाद आज की यह वीडियो का निर्माण हुआ है, जो कि संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों बता दें, अब आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो सब भगवान की मर्जी से होगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान का फैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता। जी हाँ, आज दोपहर 3:59 बजे के बाद यह खुशखबरी आपको मिलकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हुआ तो आज के बाद हम भविष्यवाणी करना छोड़ देंगे। जी हाँ, आज के बाद भविष्यवाणी ही नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं हुआ है और ना ही गलत होगा। मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज दोपहर 3:59 बजे के बाद जो खुशखबरी आपको मिलने जा रही है दोस्तों, अगले 7 जन्मों में भी आपकी राशि वालों को किसी को भी नहीं मिला होगा। जी हाँ, वो खुशखबरी आज आपको मिलेगी, तो तैयार रहना आज दोपहर 3:59 बजे के बाद बड़ी बड़ी खुशखबरी के लिए। दोस्तों आपने सुना है कि भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं, लेकिन दोस्तों यह बात बिल्कुल सत्य है, और आज आपको इस बात का एहसास भी होगा कि सच में भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जी हाँ, क्योंकि साक्षात एक देवी माँ आपके ऊपर चमत्कार करेगी। जी हाँ, जिससे कि दोस्तों आपका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों बस वीडियो को अंत तक देखते रहना, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। इससे माँ भवानी जी का तुरंत आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। आइए दोस्तों बात करते हैं तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आज आपके ऊपर कोई व्यावसायिक जिम्मेदारी आ सकती है। जी हाँ, और आप उसे अच्छे से निभा भी लेंगे। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आज मीडिया अथवा फोन के माध्यम से कोई खास जानकारी मिलेगी, जो कि दोस्तों आपके आने वाले भविष्य में लाभदायक साबित होंगी। दोस्तों बता दें, युवा वर्ग व्यर्थ के बातों में ना आकर समय को बर्बाद ना करें। जी हाँ, भविष्य की गतिविधियों पर प्लान करें तो आपके लिए बेहतर होंगे। अच्छे दोस्त आज आप जो भी काम करेंगे उसका फायदा, उसका बेनिफिट भले ही अभी आपको ना मिले, लेकिन आने वाले समय में इसका क्रेडिट, उसका परिणाम आपको जरूर मिलकर रहेगा। जी हाँ, इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहें, फल की चिंता करना छोड़ दीजिए, फल आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आज का दिन बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उन्हें आज बेहद लाभ होगा। आप बिजनेस में यदि किसी को साझेदारी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है,
जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आज का दिन सभी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। जी हाँ, अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अविवाहित जातकों के लिए भी समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आप संतान के मन में चल रही बातों को जानने की कोशिश करें, नहीं तो वो अकेले ही सोच सोच कर परेशान होते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा आज का दिन। आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना भी बना सकते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आज का दिन आपके लिए एक के बाद एक नई खुशखबरी लेकर आने वाला समय रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा और आपको किसी नई संपत्ति को खरीदना बहुत अच्छा रहेगा, उसमें आपको लाभ देगा। लेकिन दोस्तों, आप विरोधियों से सावधानी बरतें, नहीं तो विरोधी आज आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आपने अपने जरूरी कामों को कल पर टाला तो वह आपके लिए समस्या बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी काम आज आप शुरू कर रहे हैं उस काम को आज ही करने की कोशिश करें तो इसमें आपको ज्यादा लाभ होगा। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई से मन भटक सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए उन पर ध्यान देना होगा और उन्हें अपने पढ़ाई में ही लगे रहना होगा। आज का दिन आपके लिए खुशियों के नए नए रास्ते खोलेगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों संतान के विवाह में यदि कोई बाधा आ रही थी, कोई परेशानी आ रही थी, तो वह दूर होंगी माता रानी भवानी जी के आशीर्वाद से। और प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के प्रेम में डूबे नजर आएंगे और वो उन्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। जी हाँ, यहाँ पर आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है आज के दिन। जी हाँ, लेकिन आप कार्य क्षेत्र में किसी से अपने मन की बात शेयर ना करें, नहीं तो वो बाद में उसका फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन कामों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, काम बनते बनते बीच में ही अटक जा रहा था, तो इस तरह की समस्याओं से अब आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि किस्मत जब साथ देती है तो कई सारे काम यूं ही अपने आप बनने लग जाते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जोश में आकर होश नहीं खो बैठना है। जी हाँ, क्योंकि कई बार हम भावनाओं में भटक कर गलत फैसला ले लेते हैं जो कि आगे चलकर हमें दिक्कत होती है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करनी है जिससे कि आगे चलकर हमें दिक्कत हो, क्योंकि जब भी आप फैसला लें हमेशा परिस्थिति को देखकर फैसला लें, क्योंकि दुनिया को देखकर लिए गए फैसले हमेशा ही गलत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप ही जानते हैं, आपसे बेटर और कोई नहीं जान सकता। जी हाँ, अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप संतान के कैरियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जो कि आगे चलकर आपको बहुत लाभदायक रहेगी। आपका कोई मित्र आज लंबे समय बाद आपसे मिलने आ सकता है, जो आपके लिए कोई उपहार भी लेकर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी, आज आप सबके हित के बारे में सोचेंगे। आज के दिन एक लक्ष्य पर चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको छोटी दूरी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है, भाई व बहनों से चल रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त करनी होगी तो ही आपके लिए बेहतर होंगी। यदि आप किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो उसमें भी आप आगे बढ़ेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। यदि आपने अपने कामों में सूझबूझ दिखाई तो वो लंबे समय तक जो है
लटक सकता है। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक मामलों में आप विनम्रता बनाए रखें। यदि आपको किसी की कोई बात बुरी लगे तो भी आप उसे ना कहें, किसी को भी ना कहें। नए वाहन को आप खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। जो लोग विदेश की यात्रा जाने की सोच विचार कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन कोई अच्छा अवसर लेकर आ सकता है। जी हाँ, आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ उपहार खरीद सकती हैं। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के मार्ग प्रस्त होंगे। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन उन्नति दिलाने वाला रहेगा। आपका कोई मित्र आज आपके घर दावत पर आ सकता है। आपको कार्यक्षेत्र में किसी गलती को दोहराने से बचना होगा, नहीं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, आप बार बार एक ही गलतियां करते हैं, जाने अनजाने में वही गलतियां कर देते हैं जो गलतियां आप नहीं करना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको सावधान और सतर्क रहने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी बहुमुखी प्रतिभा से भी कोई आपको लाभ होगा। और आज के दिन आपके लिए कुछ मित्र आपकी समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप किसी से बहुत ही तोल मोल कर बोले, नहीं तो किसी बात पर वाद विवाद खड़ा हो सकता है। माता पिता की सेवा में आप जो है दिन का कुछ समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपकी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि दिलाने वाला समय रहेगा। धार्मिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन साथी से आप संतान के भविष्य संबंधित कुछ योजनाओं के जो है बनाने के बारे में बातचीत कर सकते हैं। आपको परिवार में यदि किसी सदस्य की कोई बात बुरी लगे तो आप उसे अवश्य कहें। विद्यार्थी अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर थोड़ा सा परेशान रहेंगे, लेकिन दोस्तों, परेशानी इनका समाधान नहीं है। जी हाँ, अगर आप इनका समाधान ढूंढेंगे तो आपको समाधान जरूर मिलेगा। उसके लिए आपको अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी, तभी इसका समाधान मिलेगा। आप अपने परिजनों के प्रति प्रेम व स्नेह बना रहेगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको कार्यक्षेत्र में अपनी बुद्धि व विवेक से ही कोई निर्णय लेना बेहतर रहेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी पूरी रुचि जागृत होगी। आपको कुछ पुण्य कार्य को लेकर करने का भी मौका मिलेगा। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उनको व्यवसाय संबंधित कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ, आप अपने वरिष्ठ सदस्यों से पूछकर ही निवेश करें तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। जी हाँ, बहुत जरूरत है आपको सावधान और सतर्क रहने की, क्योंकि दोस्तों, आपको कोई शारीरिक कष्ट आज आपको परेशान कर सकता है। यदि आपने किसी को धन उधार दिया हुआ था तो उससे नरमी से पेश आए, वरना आपका वह धन फंस सकता है। जी हाँ दोस्तों, परिवार के सदस्यों में चल रहे आपसी वाद विवाद में दोनों पक्षों की सुनना ही बेहतर रहेगा और कोई निर्णय लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। निजी मामलों में आप अपनी रुचि बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत और लगन से अधिकारियों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे, लेकिन प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना है जिससे कि एक दूसरे को बुरा लगे, नहीं तो दोस्तों, आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आज के दिन आपको कोई मौका मिले तो आप उस मौके को जाने मत देना, क्योंकि दोस्तों, ये मौका आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है और ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी सोच से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपकी वाणी की मधुरता आज आपको मान सम्मान दिलवाएगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आपको इतना ध्यान रखना है कि अत्यधिक लाभ के चक्कर में छोटे मोटे अवसरों को हाथ से जाने नहीं देना। जी हाँ, और कार्यक्षेत्र में आप अपने कामों से अच्छा प्रदर्शन करेंगी।
जिससे लोग आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। लड़ाई झगड़े के आसार बन रही है, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। लोग बेवजह आपसे उलझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आज आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपकी कामयाबी आपकी तरक्की एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे सिचुएशन में लोग आपसे जलने की कोशिश करेंगे और बेवजह बात विवाद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जितना सावधान रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सितारे कहते हैं, आज का दिन आपके लिए धैर्य बनाए रखने के लिए रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके कुछ शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, जी हाँ, लेकिन वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएंगे। यदि किसी से कोई वादा करें तो उसे समय पर पूरा करें। आपको लेन देन के मामले में अपनी बात को लोगों के सामने रखनी होगी, नहीं तो वो आपको झूठा साबित कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, न्याय मामलों में आज आप थोड़ी सावधानी बरतें और जिम्मेदारियों से किसी भी काम को करना आपके लिए बेहतर रहेगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मुलाकात करने आ सकता है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जी हाँ, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। किसी बड़े लक्ष्य को पकड़कर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा और उसी में आपको सफलता मिलेगी। आप कुछ वरिष्ठ जनों से मिलकर अपनी किसी समस्या का हल आसानी से निकाल पाएंगे, जी हाँ। कारोबार कर रहे लोग अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। जो लोग किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो किसी दुर्घटना होने के भय सता सकता है। जी हाँ दोस्तों, खासकर अगर आप खुद का वाहन प्रयोग कर रहे हैं तो जरा सावधानी पूर्वक चलिएगा, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको व्यवसाय में कुछ अच्छा लाभ मिले, आपका मन प्रसन्न रहेगा और नौकरी में कार्यरत लोगों की पद प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको कुछ महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। विद्यार्थी शिक्षा पर पूरा ध्यान दें और इधर उधर के कामों में ना लगें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा और किसी मित्र की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का पूरा लाभ उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से समय काफी उत्तम रहने वाला है और आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी और कुछ धार्मिक गतिविधियों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी साख चारों ओर फैलेगी। आपको एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप किसी बड़े लक्ष्य के चक्कर में किसी छोटे को हाथ से नौ जाने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। साझेदारी में किसी काम को करने पर आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे आप अपने कुछ पुराने कर्ज भी उतारने में सफल रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आज आप धन कहीं इधर उधर निवेश करने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आज का दिन धन के निवेश ना करें, नहीं तो धन आपका डूब सकता है। जी हाँ, अगर आपने पहले अपना धन कहीं पर लगाया हुआ था या किसी को आपने उधार दिया था तो वह धन आज के दिन आपको मिल सकता है। जी हाँ, उसके लिए आज आप तत्पर रहें। आज का दिन आपके स्वास्थ्य के मामले में कुछ कमजोर रहने वाला है, कुछ नरम रहने वाला है। जी हाँ, आप उसमें लापरवाही करने से बचें और अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें। जितना हो सके घर का ही बना हुआ शुद्ध भोजन करें, बाहर के फास्ट फूड से तो आप परहेज करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र में कोई भी जोखिम भरा काम ना करें, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। जी हाँ, और आपके लिए एक सुझाव का स्वागत होगा, और अकस्मात लाभ
मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और सोच विचार करके आगे बढ़ें और आपको अपने परिजनों का साथ मिलेगा और सहयोग भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप छोटे मोटे अवसरों को पकड़ कर चलेंगे तो आज आपको लाभ ही लाभ होगा। लेकिन आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है कि बड़े अवसरों के चक्कर में छोटे को नज़रअंदाज ना करें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आप बहुत से अवसरों को यूं ही हाथ से गंवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इतना जरूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको काफी सुकून मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर भक्ति पूजा पाठ में कुछ समय जरूर दें, इससे आपको नुकसान नहीं बल्कि लाभ ही लाभ होगा। जी हाँ, इससे मन आपका शांत रहेगा, भगवान जी खुश होंगे और आपके पास जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, बार बार आपको परेशान करती है, इससे भी आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगा, आपके ऊपर हावी नहीं होने पाएगा। भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आज आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी, जिससे मन आपका काफी प्रसन्न रहेगा। जी हाँ, लेकिन आज आप ध्यान रखें, आपका जो विरोधी है, आपका जो शत्रु है, वो आज आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। अगर आप बिना सोचे समझे उनकी बात मान लेंगे तो आप उस पर चलेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आएगा। जी हाँ, और वैवाहिक जीवन में चल रहे विरोधों से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको किसी बाहरी व्यक्ति से अपने मन की बातें शेयर करने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, व्यापार कर रहे लोग बड़े मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तभी उन्हें अच्छे मुकाम पर पहुंच सकती हैं। निजी जीवन में आप तालमेल बिठा कर रखेंगे और किसी डील को आज बहुत ही सोच समझ कर फाइनल करें और किसी के कहने में आकर कोई निर्णय ना लें, नहीं तो आगे चलकर आपको परेशान होना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए चुनौतियों से भरा रहने वाला है। जी हाँ, सफलता तो मिलेगी लेकिन आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप हार मान गए तो आप बिखर जाएंगे और अगर मेहनत करके आगे बढ़ गए तो आज आप निखर जाएंगे। जी हाँ, मौका बढ़िया है, चौका मारने का समय आ चुका है, आपके आमदनी बढ़ने से आप जो है प्रसन्न रहेंगे। यदि कुछ कार्य में रुकावटें आ रही थी तो उससे आपका मन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेगा। धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, आप खुद को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहेंगे, लेकिन आपका कोई साथी आज आपसे किसी बात को लेकर समस्या खड़ी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आप किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो दिक्कत आपकी बढ़ सकती है। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। जी हाँ, खासकर जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए समय तो सोने पे सुहागा होने वाला है। मित्रों के साथ आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकती हैं। आपको किसी काम के अच्छे से छोटी दूरी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यदि आप अपने भाई बहनों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी और रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, आपको कारोबार में तरक्की मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। रुका हुआ फंसा हुआ धन मिल सकता है, लेकिन आज के दिन अगर आप किसी को धन उधार दे रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर दीजिएगा, नहीं तो आपका धन डूब भी सकता है, क्योंकि सितारे आपको संकेत दे रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा सावधान रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने कामों में व्यस्त रहेंगे, उतना आपके लिए ही बेटर रहेगा। जी हाँ।
कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है और आपको रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और आपके विरोधी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपके तेज को देखकर आज वह आपसे लड़कर ही नष्ट हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि आपके ऊपर महादेव जी की कृपा दृष्टि बनी हुई है, विरोधी कोई शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज आप यदि किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें माता पिता से सलाह मशवरा अवश्य करें। आपको आज दिल और दिमाग दोनों को सोच समझकर ही कुछ योजना को बनाना बेहतर रहेगा। जी हाँ, कई बार आप जल्दबाजी में हड़बड़ी में आकर कोई गड़बड़ी कर देते हैं, कोई गलत फैसला ले लेते हैं जिनका खमियाजा आपको आगे चलकर दिक्कत होता है। ऐसे सिचुएशन में आपको दिल और दिमाग से शांति से सोच समझकर ही काम करना बेटर रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस समय आप सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। बस मन को शांत रखिए, एकांत जगह में जाकर समय व्यतीत करिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो। माता रानी आपके सपने जल्द ही साकार करें, जल्द ही हकीकत में बदले। माता रानी से यही मेरी प्रार्थना है। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इसी तरह की जानकारियां आपको समय समय से मिलती रहेगी। इन्हें जानकर आप अपने जीवन के उत्तम सुखों का आनंद ले पाएंगे। सितारे कहती हैं आज के दिन आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। जी हाँ, यानी कि आपको आज धन कमाने के नए नए रास्ते दिखाई देंगे और आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं आज गति पकड़ेंगी जिसमें अच्छा धन कमाने में भी कामयाब रहेंगे और रुका हुआ काम आपका बनने वाला है। देखिए दोस्तों, यदि किसी काम को लेकर चिंता आपकी बनी हुई थी तो वो चिंता भी आज समाप्त होने वाली है। देखिए दोस्तों, सितारे कहती हैं कि आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है और आपकी आय में वृद्धि होगी और अपनी मनपसंद चीज़ों की खरीदारी पर पूरा खर्च करेंगे और परिवार के लोगों की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों बता दें, कारोबार में आपको मेहनत अधिक करनी होगी और अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकती हैं। जी हाँ, और आपको किसी नए शाम की शुरुआत करना अच्छा लगेगा और इस समय आपको उसमें लाभ भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने निजी व प्रोफेशनल जीवन में तालमेल बिठाने में कामयाब रहेंगे, नहीं तो आपके घर या बाहर कहीं लोग आपसे नाराज हो सकती हैं। आपको व्यस्तता अधिक रहने के कारण अपने कुछ कामों को कल पर टालने की सोच सकती हैं। आपके स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो आपको उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, नहीं तो वह समस्या बाद में आपको कोई बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको आर्थिक क्षेत्र में अपने साथी के कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अपने जूनियर्स के कामों पर ध्यान नहीं दिया है तो आपसे कोई गलती हो सकता है, तो उसमें सावधानी बरतें। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। माता जी से आपकी किसी बात पर झड़प भी हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा और
आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं आज गति पकड़ेंगी, जिसमें आप अच्छा धन कमाने में भी कामयाब रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके कुछ खर्चे बढ़ने से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन दोस्तों परेशान होने की बजाय मन को शांत रखें। लेकिन किसी प्रेम से संबंधित मामले में आप दिल की जगह दिमाग की सुने, नहीं तो आपकी कोई जो है इच्छा अधूरी रह सकती है। आप अपने घर की मरम्मत आदि कराने में विचार विमर्श कर सकती हैं, जिसमें भी आप अच्छा जो है खासा धन लगाएंगे और आपको अपने किसी मित्र के साथ पिकनिक पर जाने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपने कार्यों के लिए कोई उपहार मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए पूरे लगन से मेहनत से काम करें, सफलता आपको जरूर मिलेगा। दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहेगा। आप एक्स्ट्रा एनर्जी से भरपूर रहेंगे, जिसके कारण आप अपने भविष्य की योजनाओं पर भी ध्यान लगा सकती हैं। संतान के करियर को लेकर यदि कुछ समस्या थी तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, और काम के सिलसिले में आप छोटी दूरी यात्रा पर जा सकती हैं, जो आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। आपको अपने रुके हुए कामों को समय रहते पूरा करना होगा, नहीं तो बाद में आपको उनसे समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए किसी जरूरी कार्य को करने में सावधानी बरतने के लिए भी रहेगा। जी हाँ, लापरवाही और आलसी करेंगे तो समस्या बढ़ सकती है। आपको नौकरी में मन मुताबिक काम मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे, और यदि जीवन साथी से किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो आप उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको व्यापार की कुछ योजनाओं संबंधित आवश्यक जानकारी किसी के सामने लीक करना दिक्कत हो सकता है, और लोग इसका फायदा भी उठा सकता है, और आपको लेन देन से संबंधित कोई फैसला बहुत ही सावधानी से लेना होगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ, लापरवाही और आलसी करने से बचिएगा, बाकी समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा। भाग्य आपका 77% साथ दे रही है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, अगर बातों से आप सहमत हैं, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगल।